और आप देख रहे हैं एम वी एम पी एस रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल सो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा पाँच के हिंदी व्याकरण की बुक है ध्यान से देखिएगा हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुण पब्लिकेशन से ली गई है तो so, बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा पाँच की हिंदी व्याकरण की बुक के पाठ के बारे में सो so, आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा पाँच की जो पाठ चार जिसका नाम है संज्ञा के पहले इस इस वीडियो के पहले मैंने दो वीडियो में इस पूरे लेसन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आई होप आपको समझ में आ गया, गया होगा और मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोग घर पे एक बार अपने से खुद से रीड कीजिएगा तो आइए चलते हैं इस वीडियो में हम इसके उत्तर की बात करेंगे तो आइए चलते हैं पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने हम एक बार एक, इसको ओवर ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं पहला प्रश्न है पहला है आपका पॉइंट किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं दूसरा है पॉइंट संज्ञा के तीन भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है तो तीसरा पॉइंट है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा फिर चौथा पॉइंट है ऐसे शब्द जो किसी सामान्य वस्तु प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं फिर है पांचवा पॉइंट है वे शब्द वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण दोष अवस्था दशा आदि का ज्ञान का बोध हो आदि का ज्ञान का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं पांचवा है सॉरी छठवा है, है पॉइंट आपका भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है और ये रहे बेटा आपके प्रश्न उत्तर इस पाठ के पाठ चार संज्ञा शब्द के प्रश्न उत्तर तो आइए हम इसके प्रश्न और उत्तर को देख लेते हैं पाठ पाँच व्याकरण निपुण कक्षा चार सॉरी पाठ पाँच विषय व्याकरण निपुण पाठ चार संज्ञा जिसका नाम है का पहला प्रश्न है संज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं उत्तर है किसी व्यक्ति प्राणी व्यक्ति और प्राणी ही होता है बेटा पर्सन का कोई भी आप आप व्यक्ति ही हो ओके तो किसी व्यक्ति प्राणी मीन्स कोई जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है तो किसी व्यक्ति प्राणी वस्तुस्थान या भाव के नाम पर संज्ञा कहते हैं जैसे रश्मि क्या हो गई व्यक्ति तो जैसे रश्मि आगरा महात्मा गांधी इत्यादि प्रश्न दूसरा है संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं तो उत्तर है संज्ञा के तीन भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा वीडियो को पॉज करके बेटा आप अपने फेयर कॉपी में प्रश्न और उत्तर को राइट कर सकते हैं ओके फिर प्रश्न तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए तो व्यक्ति व्यक्तिवाचक वा, संज्ञा है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति स्थान स्थान होगा बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये स्थान होगा यहाँ पे स्थान होगा ये यहाँ पे ये नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्थान होगा ओके okay. तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं जैसे महात्मा गांधी भारत गंगा फिर जातिवाचक संज्ञा है ऐसे शब्द जो किसी सामान्य वस्तु प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं जैसे कुत्ता चिड़िया अध्यापिका फिर आइए हम बेटा वीडियो को पॉज करके आप सभी को सभी के प्रश्न और उत्तर अपनी फेयर कॉपी में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में और सही सही मात्रा में राइट कर लीजिएगा अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बुक में आप फिल करोगे तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है संज्ञा कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को विशेष विशेषता बतलाने वाले तीन अक्षर के बने शब्द को या इनमें से कोई भी नहीं तो किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ओके फिर इसका दूसरा है उसकी डेस डेस लिखावट है तो लिखावट बहुत सुंदर है रेखांकित पद जो लिखावट है वो क्या है तो आपको बतलाना है व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा यह पद संज्ञा नहीं है तो लिखावट क्या है बेटा उसकी तो बेटा इसमें यह पद संज्ञा नहीं है होगा ओके इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा मधु शब्द से बना भावाचक संज्ञा शब्द है तो मधु से क्या होगा आपका होगा मधुरता ओके फिर है आपका पूछ रहा है ये जातिवाचक मैंने बतला दिया भावाचक आप पढ़ चुके हैं निम्नलिखित अनुच्छेद में से तो ये बेटा जो मैंने आपको राइट कराया है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ बुक फील करना है राइट नहीं करना है तो इसे आप ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में राइट कर लेंगे ओके okay? और फिर नीचे दिए गए हैं तो इसे भी आप बुक में फिल कर लोगे जैसे है कमरे की डैश डैश बहुत सुंदर है तो सजाना तो सजाना का सजावट हो जाएगा कमला ने बहुत डैस्ट डेस्क से काम लिया तो होशियार से होशियारी हो जाएगा इस सड़क की चौड़ा नहीं होगा चौड़ाई होगा करण और चौड़ाई मापो फिर है चौथा है करण और कुणाल की डैश डैश बहुत गहरी होगी मित्र मित्र है तो मित्रता हो जाएगा बेटा तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू जय हिंद